Walker and Sallard in 1930 are credited for attributing pathogenic effect of this parasite. 1930 में वॉलकर और सलाड के द्वारा इस परजीवी की जो रोगजनकता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए वॉलकर और सलाड को क्रेडिट या महत्ता दी जाती है. क्रेग इन 1962 एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज suffering from the infection of this parasite. 1962 में क्रेग के द्वारा यह स्थापित किया गया कि हमारे दुनिया के लगभग 10% पॉपुलेशन इस बीमारी या इस इन्फेक्शन से ग्रसित है. यह दूषित पानी के कंजम्पशन के द्वारा फैलता है. जब हम पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तब हमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हो जाता है और हम अमीबिक डिसेंट्री के शिकार हो जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका. एंटमीबा हिस्टोलिटिका का वितरण. एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ वर्ल्ड वाइड दैट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन but it is commonly found in epidemic form in tropical and subtropical region then in temperate region. The more epidemic condition of this parasite is reported in Mexico, China, India, Philippines, South America and Thailand. Entamoeba histolytica विश्वव्यापी है और इसका वितरण भी संपूर्ण विश्व में समान रूप से फैला हुआ है, लेकिन यह एक एपिडेमिक के रूप में, एक महामारी के रूप में गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे कि मैक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, साउथ अमेरिका और थाईलैंड. इट्स इंसिडेंस इज रिलेटिवली हायर इन रूरल एंड डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज, पर्टिकुलरली इन दोज एरियाज where the sanitary condition are poor. In India, its effect is on higher level in humid climate as compared to dry and cold climate. Children and adults are more frequently infected. Surprisingly, the males are more commonly affected than females. यह परजीवी ज़्यादातर घनी आबादी वाले जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर साफ़ सफाई, रख रखाव की सुविधा पुअर होती है, यानी जहाँ पर हाइजीन का फॉलो नहीं किया जाता है. भारत में यह ज़्यादातर नमी वाले प्रदेशों में पाया जाता है, ऐसे प्रदेश जहाँ पर नमी यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बजाय शुष्क और ठंडे प्रदेशों के. यह बीमारी ज़्यादातर बच्चों और नरों में, मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी में ज़्यादा आवृत्ति से, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाती है. हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका. स्वभाव और आवास एंटमीबा हिस्टोलिटिका के. एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड लिव एज एन एंडोपैरासाइट इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज colon of man. It inhabits the mucus and submucus layer of large intestine. It feeds mainly on the tissue of intestinal wall and often produces severe ulcer and abscesses. In chronic cases, it may enter the blood circulation to reach liver, lungs, brain and other organ.
It causes a serious and often fatal disease called amoebic dysentery or amoebiasis. जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एंटमीबा हिस्टोलेटिका एक सूक्ष्म जीवी है जो अंतः परजीवी के रूप में बड़ी आंत में, जैसे कि कोलोन मानव के अंदर पाया जाता है, कोलोन में यह पाया जाता है। यह हमारे बड़ी आंत के म्यूकस और सब म्यूकस लेयर में पाया जाता है। ज़्यादातर यह हमारी बड़ी आंत में रहकर अल्सर और फोड़े, घाव आदि उत्पन्न करता है, बट कई बार यह इन्फेक्शन हमारी बड़ी आंत और म्यूकस से होकर हमारी जो रक्त संचार तंत्रिका है वहाँ पहुँच जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाता है और ब्लड से होता हुआ लिवर, लंग्स, ब्रेन यानी यकृत, फेफड़े और मस्तिष्क में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचकर यह और घातक रूप ले लेता है। इसके द्वारा जो बीमारी होती है उसे हम अमीबिक डिसेंटरी कहते हैं। Entamoeba histolytica has also been reported from a variety of mammal, example gorilla, orangutan, chimpanzee, gibbon, baboon, monkey, dog, cat, pig and rat. Entamoeba histolytica के कई प्रकार मानव के अलावा gorilla, orangutan, chimpanzee, gibbon, baboon, मंकी, डॉग, कैट, पिग और रैट आदि में भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटमीबा हिस्टोलेटिका। एंटमीबा हिस्टोलेटिका की संरचना। एंटमीबा हिस्टोलेटिका एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, द मैग्ना और ट्रोफोजॉइट फॉर्म एंड माइन्यूटा और प्रीसिस्टिक फॉर्म। एंटमीबा हिस्टोलेटिका दो विशिष्ट प्रकार में स्थित होता है। पहला जो प्रकार है वह मैग्ना कहलाता है या ट्रोफोजॉइट, और दूसरा जो प्रकार है वो माइन्यूटा या प्रीसिस्टिक प्रकार कहलाता है। मैग्ना का अर्थ होता है बड़ा और माइन्यूटा का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा। ट्रोफोजॉइट जो मैग्ना या बड़ा प्रकार है वह ट्रोफोजॉइट कहलाता है। द मैच्योर पैरासाइट और एक्टिव एंड मोटाइल एडल्ट इज नोन एज ट्रोफोजॉइट। द ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलेटिका आर लार्ज, हेंस दे आर कॉल्ड मैग्ना। यूजुअली दे आर 20-30 एंटमीबा हिस्टोलेटिका ट्रोफोजॉइट माइक्रॉन इन डायमीटर। इट इज फीडिंग फॉर्म विच इज पैथोजेनिक टू मैन। एंटमीबा हिस्टोलेटिका का जो बड़ा प्रारूप होता है, जो कि मैच्योर होता है, परिपक्व प्रकार का है, एक्टिव यानी सक्रिय है और चलनशील है, मोटाइल है, उसे ट्रोफोजॉइट कहते हैं। मैग्ना का अर्थ होता है लार्ज। यह 20-30 माइक्रॉन डायमीटर में होता है। ट्रोफोजॉइट एंटमीबा हिस्टोलेटिका की फीडिंग फॉर्म है, यानी यह वह प्रकार है जो कि लगातार भोजन को प्राप्त करता है। It resembles amoeba in all structural details. Entamoeba histolytica amoeba ki bhanti sabhi sanrachnaon mein hota hai. Jis prakar amoeba mein ek bahari cell membrane hoti hai, jo ki स्यूडोपोडिया के द्वारा अपनी आकृति चलने के समय बदलती रहती है, इसमें एक
प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि दो भागों में बटा हुआ होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जिस प्रकार अमीबा के अंदर कई सारी सेल ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक इसी तरीके से एंटमीबा हिस्टोलेटिका में भी कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोफोजॉइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। द एक्टोप्लाज्म इज क्लियर, नॉन ग्रैन्यूलर एंड हायलाइन, वाइल एंडोप्लाज्म इज ग्रैन्यूलर एंड फ्लूइड लाइक। जैसे मैंने आपको बताया कि अमीबा के समान ही इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। दी स्यूडोपोडिया में भी शॉर्ट, ब्रॉड एंड राउंडेड, लॉन्ग एंड फिंगर लाइक, मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म। और जिस प्रकार से अमीबा के अंदर कूटपादों का निर्माण होता है, ठीक उसी तरीके से एंटमीबा हिस्टोलेटिका में भी स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद का निर्माण होता है। During locomotion, the rapidly advancing end of the body consists of a single clear pseudopodium. और जिस प्रकार से जिस दिशा में अमीबा गमन करते समय कूटपाद का निर्माण करता है जो कि बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से एंटमीबा हिस्टोलेटिका में भी गमन के दौरान कूटपाद का निर्माण होता है जो कि गमन करने की दिशा में बनते हैं और बिगड़ते हैं। विद दिस सिंगल स्यूडोपोडियम इट मूव्स इन अ क्रॉलिंग फैशन लाइक अ गार्डन स्लग। एंटमीबा हिस्टोलेटिका में गमन के लिए केवल एक कूटपाद का निर्माण होता है और इस कूटपाद के द्वारा जिस प्रकार एक कृमि गमन करता है, जैसे गार्डन स्लग बगीचे में पाए जाने वाला एक कृमि जिस प्रकार से गमन करता है, ठीक उसी प्रकार से एंटमीबा हिस्टोलेटिका अपने एकल कूटपाद के द्वारा, सिंगल स्यूडोपोडियम के द्वारा क्रॉलिंग फैशन रेंगते हुए जमीन पर, जैसे कृमि चलता है, ठीक इसी प्रकार से एंटमीबा हिस्टोलेटिका भी गमन करता है। और इस प्रकार का गमन एंटमीबा हिस्टोलेटिका में लाइमेक्स टाइप मूवमेंट कहलाता है, लाइमेक्स प्रकार की गति या गमन कहलाती है। एंडोप्लाज्म कंटेन अ न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल कंटेनिंग टिश्यू फ्रेगमेंट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड इंजेस्टेड बैक्टीरिया। और अमीबा की भांति ही एंटमीबा हिस्टोलेटिका में केंद्रक होता है, फूड वैक्यूल यानी खाद्य धानियाँ होती हैं और इस खाद्य धानी में ऊतक के टुकड़े, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं। द न्यूक्लियस इज राउंडेड 4 to 6 माइक्रोन इन डायमीटर एंड वेसिकुलर। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ डेलिकेट मेम्ब्रेन, small peripheral chromatin granule and a centrally located small dot-like nucleolus or endosome or karyosome and chromatin granule arranged in a spoke-like striation. Entamoeba histolytica ka nabhik ya kendrak gol hota hai. Iska diameter 4 se 6 micron hota hai. न्यूक्लियस एक नाजुक भित्ति द्वारा बनी हुई होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन के द्वारा बनी हुई होती है, जिसके बाहरी किनारों पर क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं और इसके मध्य में एक बिंदु समान न्यूक्लियोलस या एंडोसोम उपस्थित होता है। क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स नाभिक में जिस प्रकार साइकिल की ताड़ियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से स्पोक लाइक स्ट्रिएशन मैनर ताड़ियों की भांति अरेंज्ड
होते हैं। न्यूक्लियोलस जो कि सेंटर में होता है वह इनडेफिनेट क्लियर एरिया से सराउंडेड होता है जिसको कि हेलो कहा जाता है। न्यूक्लियोलस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लाइक अ डॉट, इट इज़ सराउंडेड बाय एन इनडेफिनेट क्लियर एरिया कॉल्ड हेलो। द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इन फूड वैक्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पैरासाइट। एज द कैपेसिटी ऑफ इंजेस्टिंग RBC is not seen in other intestinal amoebae of man. Entamoeba histolytica की खाद्य धानियों में जैसे मैंने आपको बताया कि red blood cells present होते हैं और red blood cell की उपस्थिति Entamoeba histolytica को Entamoeba के दूसरी जातियों से भिन्न करती है। Contractile vacuole is entirely absent because Entamoeba histolytica live in environment which is isotonic. Hence, the osmotic concentration of this body remain equal to its surrounding and hence no water enter in its body by osmosis. Therefore, there is no need of contractile vacuole. Amoeba, जो कि fresh water में स्थित है, उसमें contractile vacuole present होते हैं और मरीन यानी जो लवणीय जल में पाए जाने वाले अमीबा होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानियां अनुपस्थित होती हैं। ठीक इसी तरीके से Entamoeba histolytica जो कि एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है इसके कारण उनमें फ्रेश जो वाटर है वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है और एक्स्ट्रा वाटर को शरीर निकालने के लिए किसी भी संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित होता है।